सो हाई एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ मदिया। और इस चैनल में हम बात करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज एंड लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। सो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लेके आए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉलेजेस दैट ऑफर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इन हरियाणा। सो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने का सोच रहे हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्हें वो टारगेट कर सकते हैं फॉर द इंजीनियरिंग। सो अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलेज विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आप NIT नाम से जानते हैं। इट इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NCU SOET नाम से जाना जाता है। लोकेटेड इन गुड़गांव, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में लोकेटेड है। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE नाम से जाना जाता है, गुड़गांव में लोकेटेड है। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में लोकेटेड है। PDM यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में लोकेटेड है। स्टेरिक्स यूनिवर्सिटी गुड़गांव में अगेन लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT नाम से जाना जाता है एंड इट इज लोकेटेड इन सोनापत। द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी NCU नाम से जाना जाता है, लोकेटेड इन गुड़गांव। मानव रचना यूनिवर्सिटी MRU नाम से जाना जाता है, फरीदाबाद में लोकेटेड है। सेठ जय प्रकाश मुकुंद लाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी JMIT नाम से जाना जाता है, यमुनानगर में लोकेटेड है। सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव में लोकेटेड है। वहीं अगर हम बाकी और कॉलेजेस की बात करें तो वह वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट WCTM नाम से जाना जाता है, गुड़गांव में लोकेटेड है। PDM फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीपत में लोकेटेड है। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SBIT नाम से जाना जाता है, ये सोनापत में लोकेटेड है। हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये लोकेटेड है काईथाल में। वहीं बाकी कॉलेजेस के अगर हम नाम बताएं तो वो हैं गुड़गांव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग GCE नाम से जाना जाता है, गुड़गांव में लोकेटेड है। सूरज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनापत में लोकेटेड है। ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हिसार में लोकेटेड है। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट AITM नाम से जाना जाता है, पलवाल में लोकेटेड है। स्वामी देवी दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SDDIET नाम से जाना जाता है। डून वैली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DIET नाम से जाना जाता है, करनाल में लोकेटेड है। रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट RITM नाम से जाना जाता है, पलवाल में लोकेटेड है। RN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी RNCET नाम से जाना जाता है, पानीपत में लोकेटेड है। दलाल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी DGIT नाम से जाना जाता है। दीप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुड़गांव में लोकेटेड है। इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIET नाम से जाना जाता है। कल्पी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT नाम से जाना जाता है, अम्बाला में लोकेटेड है। गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट GITM नाम से जाना जाता है, यमुनानगर में ही लोकेटेड है। वहीं अगर हम लास्ट कॉलेज की बात करें तो वो है शांति निकेतन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आप SNCOE नाम से जानते हैं, ये हिसार में लोकेटेड है। सो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं इन हरियाणा। सो अगर आप और भी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वील गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस वॉज मी मदिया खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.